राज्य सरकार ने हाल ही में एमएस पटेल का तबादला वडोदरा शहर में बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर किया था, लेकिन अब फिर से एक बार इस नाम में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा अब एमएस पटेल की जगह पर नलिन उपाध्याय को वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर चुना गया है। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी तब से खाली है और इस पद के लिए किसे चुना जाएगा, यह सवाल शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार ने एमएस पटेल का तबादला किया और उन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर बनाने का तय किया गया, लेकिन आज जब वे वडोदरा पहुंचकर म्युनिसिपल कमिश्नर का कार्यभार संभालने ही वाले थे, तब राज्य सरकार ने फिर से उसमें बदलाव कर दिया है। फिर से एक बार राज्य सरकार ने नई घोषणा की है और उनकी जगह पर नलिन उपाध्याय का नाम म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर चुना गया है। जी हाँ, राज्य सरकार ने अब नलिन उपाध्याय को वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर बनाने के लिए चुना है। अब वो कब वडोदरा की कमान संभालेंगे, यह सवाल भी चर्चा का विषय बना रहेगा।